आपको देखने को मिलेंगे ओ व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग एमजी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, अभी सुबह सुबह वीडियो एडिट करने के बाद टाइम आ चुका है शादी की तैयारी करने का। बेसिकली कल से जो मेन शादी का फंक्शन है वो कल से शुरू है, और अभी हमें बैग पैक करने होंगे क्योंकि जो शादी है वो मतलब वहीं पे स्टे रहेगा हमारा पूरी रात का। मैंने तो वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सॉर्ट करने की कौन से पहनने हैं, हमारे स्टूडियो में पड़ा है मेरा सूट वो लेके आना है, शर्ट कौन सी पहननी है वो देखना, मुझे यहाँ शॉपिंग करनी है, बहुत काम है। ये ना सच्ची ओंकार, तुम्हारे सच्ची कपड़े आगे पे पड़े, तू अपने रास्ते आज मैं अपने रास्ते। वैसे मेरा भी ब्लाउज तैयार नहीं है वो अलग बात है, बट तुम सच्चे बताओ उधर पड़ा हुआ है अगर वो गंदा हुआ कुछ हुआ ड्राई क्लीन वाला हुआ धोने वाला हो तो क्या करोगे अगर गंदा हुआ तो? अरे पूरा पैक पड़ा हुआ है, गंदा नहीं है। अच्छा पैक है, चलो फिर तो ठीक है, मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने कहा अभी तो निकाल लोगे गंदा होगा क्या होगा। और अभी मैंने कपड़े ना धोने को डाले हुए क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे लेके जाने हैं और गंदे हैं। और टेंशन वाली बात ये हो गई है कि जो मौसम है ना, मतलब आज धूप नहीं निकली है, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि बारिश वारिश होगी, और पिछली बार जो मैंने कपड़े धोए थे तब भी बारिश हो गई थी। मतलब यही टेंशन है कि टाइम से जो कपड़े हैं ना वो सूख जाए। पर ओंकार से पूछ लेती हूँ कुछ अगर धोने होने वाला है जो कि एक दो दिन में पहनना है उसको फंक्शन के लिए। ओंकार कोई कपड़े धोने धोने वाले हैं तुम्हारे? वो एक ही टी शर्ट थी तुम्हारी उसमें बस। अब मेरे को जिम का बता दो एक बार, मैं सोच रहा हूँ शाम को चले गए। शाम को जाना, फिर अभी सुबह दिन में काम कंप्लीट करने पड़ेंगे सारे। हाँ वही, फिर पैकिंग, या फिर मैं अभी से पैकिंग करना शुरू कर दूँ थोड़ी मोटी। और ब्रेकफास्ट अभी किया ही था और बाहर निकल चुकी है बहुत ही बढ़िया धूप। अब मेरे कलेजे को थोड़ी सी ठंडक पड़ी है, एटलीस्ट मैं यहाँ पे कपड़े सूखने डाल के घर से बाहर जा सकती हूँ। और अभी प्रोग्राम इस प्रकार का है कि अभी ओंकार मुझे बोल रहा है कि तो अपने ब्यूटी पार्लर वाले काम करवा है, उसके बाद अगर कहीं जाना है फिर मैं साथ में चलूंगा। कितना टाइम लगेगा इसको? 5-10 मिनट। अभी गाड़ी हो रही है साफ, भैया इसको थोड़ा अंदर से भी क्लीन कर ही देना है ना, यहाँ साइड से जो भी एक्स्ट्रा है ना सब निकाल ही देना। तो भाई साहब गाड़ी हो चुकी है एकदम नीट एंड क्लीन और भैया अभी तक हट ही नहीं रहे हैं। भैया बस करो, बस बस बस। तो पहुंच चुकी हूँ मैं ब्यूटी पार्लर और सोच चुकी मैं थोड़ा अपना फेशियल वगैरह भी करवा लूँ क्योंकि कुछ देर पहले स्विमिंग की थी जिसकी वजह से आ गया थोड़ी सी टैनिंग हो गई है और थोड़ा सा फेस क्लीन भी हो जाएगा। पार्लर का जो काम धाम है वो हो चुका है खत्म और अभी आई हूँ मैं घर। हेलो अनुपमा, आई आज कैसी है? बहुत अच्छी, बड़ा क्यूट लग रहा है डॉग। थैंक यू। ओ माय गॉड, बस ओ मेरा पोच पोच पोच। और भी आदि क्या हालचाल? सब बढ़िया, सुस्ती मार रहे हैं। चलो बाय मम्मी। पर यार सच बताऊं घर आके ना फायदा हो गया क्योंकि मम्मा तो उधर है नहीं, घर पे कनाडा गए हुए हैं, मेरे को कोई बताने वाले ही नहीं है कि क्या पहनने नहीं पहनने किसके साथ क्या करना है। पर ये अच्छा होगा कि चीजें प्रेस करानी है और मम्मी ने मुझे बताया हैवी सूट खुद प्रेस नहीं करने होते हैं। और सच्ची बताऊं मम्मी, अब तक जितने बार मैंने हैवी सूट पहने हैं ना सारे मैंने खुद ही प्रेस किए। नहीं ये स्टीम प्रेस है, मैं स्टीम प्रेस करवा लूं साड़ी भी और सूट साड़ी भी। सूट भी वो भी भेज दे, 2 घंटे में कर, 2 घंटे में कर देने। थैंक गॉड, बाय बाय बाय। मैं आंचल को बाद में पिक करने आऊंगी है ना, मुझे भी जाना होगा मार्केट। मैंने बना हुआ घर पे खाना। अभी मुझे करने टेलर से कपड़े कलेक्ट, तो फटाफट करते हैं। ब्लाउज मैंने ले लिया हुआ है, बेसिकली वो वाली साड़ी है जो कि मुझे रिसेप्शन पे पहननी थी और रिसेप्शन कैंसिल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि वाई टू वेस्ट दिस साड़ी जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, तो मैंने सोचा कि अब मैं चेतन की शादी में इसको पहनूंगी। भाई साहब अब जाके मैं घर पहुंची हूँ, 5 बजने वाले हैं। हेलो पापा, आपने कर लिया लंच? अच्छा हम तो बहुत ही लेट हो गए ना, हम कार नहीं किया ना मैंने। हाँ अभी रास्ते में ही है। हेलो, अभी मैंने खाना गर्म ही किया था।
अच्छा वो आ गए। हाँ यार ऐसा क्या काम कर रहे थे तुम वहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हो? नहीं यार मैं ना इटली क्या हुआ गंद बहुत पड़ा हुआ था तो सांस वहीं करने लग गए। हाँ एक बंदे का काम नहीं वहाँ पे सच्ची में नहीं है पता क्या हुआ? है बहुत अरे बताता हूँ क्या हुआ वो टेबल पड़ा था वहाँ पे मेरा हैवी ड्यूटी गोडा मोटा पाचा बजा उसके टेबल गिर गया सारा उसके ऊपर लकड़ जो है अलग होगी वो कल्ले कौन सी वाली वो सेंटर सेंटर टेबल है जो अपना वेरी गुड खाने में है काली दाल फ्रांस बीन रोटी चावल डाइट में ही है ये डाइट में एंड मैं ना अभी रिसेंटली कमेंट्स वगैरह देख रहा था तो काफी लोगों ने कमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं कि मुक्ति नवाब को प्यार नहीं करती है मुक्ति टेडी को ज्यादा प्यार करती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ लोगों का ना प्यार करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके का होता है। मुक्ति का प्यार करने का तरीका ऐसा है कि बंदे की हड्डी तोड़ दे उसको मार दे वो इस तरीके से प्यार नहीं। और ऑब्वियसली वो इसकी अगर लात वगैरह खींच रही थी ना वो गुस्से में नहीं खींच रही थी उसको भी पता था कि कितना सीमित है कितना ठीक रहेगा। आदित्य का मैसेज आया उसने मुझे बोला एक बार कमेंट्स पढ़ फिर मैंने दो तीन कमेंट्स पढ़े मैं बाद में बात करूँ पहले खाना में से खाना नहीं खाया जाएगा आप हमें अच्छे से जानते हो कि हम किस तरीके के खाना खाते ये ओंकार रंधावा जी आज गए थे स्टूडियो और वहाँ से उठा के लेके आए हैं कपड़े मेरे इम्पोर्टेड कच्चे भी थे वहाँ पे वो भी लाया हूँ कुछ भी इटली काफी कपड़े स्टूडियो में पड़े हुए थे मैंने ये सोचा था जब कभी तुम्हारा जो भी कोट चेंज करना होता है तो रिक्वायरमेंट आई थी और मेरा सूट भी वहाँ पे था। तुम ये बताओ प्रेस करने को है तो दे दो क्योंकि मैंने भी चेक किया रख लिया स्टीम प्रेस मैंने मैं कुछ नहीं ले रही स्टीम प्रेस के लिए कुछ नहीं ले रही मेरा वो ऑलमोस्ट प्रेस ही है मैंने देखा। एक चीज कहना चाहूंगा हर किसी से जो भी गर्मियों में शादी करवा रहा होता है ना ना कराया करो सर्दियों में कराया करो हमारे लिए पनिशमेंट हो जाती है लड़के लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है लड़की के लिए तो बहुत इजी है। आ जाओ फिर मैं आ रही हूँ आज ना ये सारे कमेंट्स पढ़ के ना सच्ची मेरा मन पता है क्या कर रहा है कि मैं OMG व्लॉग्स छोड़ दूँ भैया ने तो छोड़ दिया वो अब दीदी भी छोड़ देगी मतलब बहन भाई मतलब रीजन ऑब्वियसली डिफरेंट है नहीं रीजन बट मैं पता क्या पहले भी बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मुझे कभी बुरा नहीं लगता नेगेटिव बोलने वाले लोग नेगेटिव बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव भी बोलते हैं जो चीज पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलती है हर दिन की व्लॉग बनाए हम करें बट मुझे इस चीज का इतना बुरा लगा ना कि काफी लोग कमेंट करते हैं व्हाई डोंट यू लव नवाब उस तरीके से जैसे आप टेडी को प्यार करते हो। मतलब एक बात बताओ एक पेट लवर ये सोच के प्यार करता है कि ओ ये कुत्ता अलग है ये कुत्ता अलग है टेडी है इतना सा अब वो मेरे ऊपर यहाँ घुटनों तक पहुंचता है मेरे तो मैं उसको झुक के प्यार करती हूँ। अब नवाब ऊपर छलांग मारते हैं उसकी हाइट मेरे बराबर है तो उसका मेरा रिएक्शन उन दोनों डॉग्स को लेकर डिफरेंट होगा। टैडी को मैं पटक के बेड पे मारती हूँ खेलती हूँ उसके साथ अब नवाब के साथ मैं सेम चीज कैसे करूँ? मतलब मुझे इतना ज्यादा थर्ड क्लास चीज लगी ना ये कि मैं दोनों डॉग्स के साथ एक अलग बिहेव करती हूँ लाइक दिस इज टोटल बुलशिट। नहीं क्या मेरे को सच्ची ने बहुत इरिटेटिंग लगे आज के कमेंट्स पढ़े मैंने लोगों के। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाउ यू आर पुलिंग योर डॉग। पहली बात मैंने कोई भी चीज एग्रेसिवली नहीं की मैं अपने डॉग्स के साथ ऐसे ही खेलती हूँ टेडी के साथ भी ऐसे खेलती हूँ एंड आपको मैं बता दूं तारियो आप अपने बच्चों को पैम्पर करके रखो मेरे लिए मेरे कुत्ते बच्चे हैं मैं उनको पैम्पर करके नहीं रखती हूँ। मेरे को वो मैं खुद बचपन से ऐसे घर वालों ने मेरे को ऐसे रफ एंड टफ पाला मैं अपने बच्चों को भी वैसे पालूंगी। अगर मुझे कल ये बोलेगा कि अपने बच्चों को मत डांटो उनको ऐसे मत करो देन प्लीज मैं उसको कुछ बहुत उसको मारा हो उसको हर्ट किया हो तो मेरे को खुद मैं आप मुझे मुझे कोई और नहीं बताएगा कि उसको बुरा लग रहा है उसका हर्ट हो रहा नहीं हो रहा वो मुझे पता है मैं उसके साथ 24 घंटे रहती हूँ मुझे आप सबसे ज्यादा पता है कि उसको क्या चीज बुरी लग रही है क्या चीज अच्छी लग रही है। अगर बुरा लगेगा वो भौंक सकता है काट सकता है उसको ऑब्वियसली वो वैसा रिएक्शन देगा। मेरे को इतना ज्यादा इरिटेट मेरे को लिटरली दो मिनट के लिए मेरे को ऐसा रोना सा आया जब मैंने लोगों के कमेंट पढ़े ना मैंने कहा यार दीज पीपल लिटरली डोंट नो मी एट ऑल
जानते ही नहीं है ये मुझे अच्छे से। देखो जी सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात मैं क्लियर कर, और मेरे को एक बात बताओ। नहीं तुम मेरी बात सुनो, नवाब घर में सबसे ज्यादा तंग किसको करता है, किसके पीछे पीछे घूमता है? मेरे पीछे, मेरे पीछे घूमता है वो, मेरी सबसे पहले सॉक्स लेके भागेगा, वो सबसे पहले मेरे शूज लेके भाग जाएगा, मेरे पीछे पीछे घूमता है। व्हाई? बिकॉज ही लव्स मी। वो मुझे प्यार इसलिए करता है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। हर एक चीज हम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं नवाब के साथ बहुत बार खेलती हूँ, उसके ऊपर छलांग मारती हूँ, ऊपर उसके लेट जाती हूँ। मैंने कभी इसका मतलब क्या, मतलब वो सब दिखाओ 24 आवर्स तो दिखा नहीं सकते ना। मेरा प्यार करने का तरीका भी सच्ची में, जैसे ओंकार बोल रहा था, मेरा प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आई एम दैट पर्सन विच लाइक टू इरिटेट। मैं, मेरे को चिच्ची नहीं जिसको बोलते, आई डोंट नो पंजाबी में ही बोलते शक्के चिच्ची पंजाबी में, काफी तंग करके प्यार करना, तंग करके प्यार करना, आई एम दैट पर्सन। मैंने टेडी को भी हमेशा ऐसे उसको, उसका कभी ऐसे नॉकडाउन कर दिया, कभी उसको ऐसे दांत खींच दिया। आई डू विद, इनफैक्ट ओंकार के साथ भी मैं ऐसे करती हूँ। मुझे भी कुत्तों के बराबर रखा हुआ है। तुमको कुत्तों के बराबर नहीं रखा हुआ है, कुत्तों को तुम्हारे बराबर रखा हुआ है, तुम्हारे बराबर रखा हुआ है। और अब जी हम पिक करने आ गए हैं एक प्राणी को जिसको आंचल बोलते हैं। प्राणी नहीं, हुस्न परी को। अच्छा समरी ड्रेस में नींबू बने हूँ, पर महंगी नहीं, महंगी ड्रेस पहनी है वो, महंगी ड्रेस। कि मैं आया हूँ अपनी जो नई गाड़ी आ रही है ना उसका थोड़ा सा लास्ट जो काम है वो करने के लिए, और माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्मो गर्मी का हो चुका हुआ है। मुक्ति ने काइंड ऑफ निर्णय ले लिया हुआ है OMG व्लॉग्स को टाटा बाय बाय करने का। अब से आपको देखने को मिलेंगे ओ व्लॉग्स। वैसे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी सी गुस्से में है अभी, ट्राई करूँगा थोड़ा सा उसको शांत करूँगा और काम करवाता हूँ जो आया हूँ करने। गाड़ी का जो काम है वो हो चुका हुआ है और कल हमें गाड़ी मिल सकती थी, परंतु कल हम यहाँ पे होएंगे नहीं, हम जाने लगे शादी के लिए, और शादी पे जाना तो गिफ्ट वगैरह लेके जाना तो बनता है हमारा, तो भी आया है शॉपिंग करने गिफ्ट की, वेडिंग गिफ्ट के लिए। बता गिफ्ट में क्या दें? मैं तो वैसे जूते कह रही थी पर मेरे को मामी ने बोला शादी पे जूते कौन गिफ्ट में, सच में। पर वैसे आइडिया अच्छा है। हाँ। जैसे कि जूते चोरी होते हैं वो रस्म होती है, तो उसी टाइम पे हम गिफ्ट दे, मुझे लड़कों को अच्छी लगती है, तो मैं हूँ तेरे साथ। हाँ, मैं अच्छी घड़ी चूज कराऊंगा। हाँ। जो कि आज खुद नहीं पहन के आया मैं। तो जी ये है घड़ी जो हमने ली है फॉर गिफ्ट, कैसी लग रही है? अच्छी है, सुंदर है, सच्ची अच्छी है। हाँ। पकड़ के देख वेट कैसा है। मुझे पर्सनली खुद के लिए बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ले लेते हैं, अच्छी होगी, भारी है ना। नहीं मेरे को हल्की लग रही है। नहीं नहीं, मतलब जैसे डायल देखिए थोड़ा सा हेवी सा, बट इतनी हेवी है नहीं। और तू डंबल के साथ कंपेयर ना कर, उसको घड़ी है वो, ये सोच रही है कि डंबल जैसे भारी निकले। पर अच्छी लगी तुझे ये? भैया कर दो पैक। गिफ्ट लेते लेते ना एक चीज मेरे दिमाग से स्किप ही होगी, वो ये कि मैंने सूट के नीचे पहननी है शर्ट, जो कि मेरे पास है नहीं है, खरीदनी है, और दुकानें ऑलमोस्ट अभी बंद होने वाली है, उससे पहले शायद मिल जाएगी मुझे, शायद नहीं मिलेगी, देखते हैं। तो जी शॉपिंग करके आंचल को घर पे ड्रॉप करके आगे थे हम अपने घर, और मुझे भी जो शर्ट चाहिए थी वो मिल गई थी, बाकी आपको देखने को मिल जाएगी अभी आगे आने व्लॉग्स में। एंड आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म, अभी बस हम डिनर करके हटे हैं, कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे। टाटा बाय बाय।